students, today through this video I would like to discuss the problematic essay of writing task 2. So आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली प्रॉब्लमेटिक एसे को करेंगे कि कॉज एंड सॉल्यूशन के एसे का स्ट्रक्चर क्या है और जो कनेक्टर जो स्ट्रक्चर मैं डिस्कस करूँगी सेम इसी स्ट्रक्चर को यूज़ करके मैं आपके साथ एक एग्जांपल भी डिस्कस करूँगी। स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले प्रॉब्लमेटिक एसे में भी बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स, व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड सॉल्यूशंस, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन इट कॉज। तो जो प्रॉब्लमेटिक एसे है ये भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। कई बार आपको कॉज एंड सॉल्यूशंस पूछ लिए जाते हैं, कई बार आपको कॉज के साथ इफेक्ट पूछ लिए जाते हैं, कई बार आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कि व्हाट प्रॉब्लम्स कैन इट कॉज, कि ये कौन सी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉज एंड सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। ये डिमांड लाइन होती है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड सजेस्ट सम पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर इट, कि क्या कॉजेज हैं इस प्रॉब्लम के, क्या इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। ये डिमांड लाइन जो होती है आपको हिंट देती है कि ऐसे की टाइप क्या है, ऐसे का थीसिस स्टेटमेंट क्या रहेगा और ऐसे का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। इफ़ आई टॉक अबाउट द थीसिस स्टेटमेंट हम कहाँ पे मेंशन करते हैं, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस इन माय प्रीवियस वीडियोस आल्सो। इन इंट्रोडक्शन वी हैव टू राइट 3 सेंटेंसेस, जनरल लाइन, रीफ्रेजिंग एंड थीसिस। जनरल लाइन जो रहता है वो आपका टोटली ऑप्शन होता है, यू कैन स्किप इट इफ़ यू वांट टू राइट इट। मेक श्योर कि उसका एक कोहेरेंस होना चाहिए, उसमें एक रिलेशन होना चाहिए विद द गिवन कीवर्ड ऑफ द टास्क 2। Rephrasing means we have to rewrite the baseline in our own words rather than replacing it with the keywords. And thesis क्या है, answer the demand line. अब thesis क्या आएगा यहाँ पे, I will explain the reasons of this problem in the below paragraphs along with the steps through which it can be dealt. Can be dealt, deal, dealt, dealt. तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, पैसिव स्ट्रक्चर आया है कि मैं एक्सप्लेन करूँगी रीजन्स को किसके, इस प्रॉब्लम के बिलो पैराग्राफ्स में किसके साथ एक्सप्लेन करूँगी, वो स्टेप्स मतलब कि कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हेल्प करेंगे इस प्रॉब्लम को डील करने में, सॉल्व करने के लिए। बॉडी पैराग्राफ 1 के लिए हमें टिपिकल स्ट्रक्चर्स यूज़ नहीं करने हैं। टू कमेंस विद करके हम डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, द मेन कॉज इज़, अनदर रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़। बॉडी पैराग्राफ 2 में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस को हाईलाइट करेंगे, टू डील विद दिस प्रॉब्लम एंड अनदर सॉल्यूशन इज़। डियर स्टूडेंट्स, आपके राइटिंग जितने सिंपल होंगी उतना आपका स्कोर आएगा, बिकॉज नाउ डेज मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स आर चेक बाय इंटरनेशनल एग्जामिनर्स, सो दे प्रेफर नेचुरल एंड सिंपल राइटिंग्स। तो आपने कोई भी मक्ड अप स्ट्रक्चर्स यूज़ नहीं करने हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप सिंपल लिखेंगे। और यही कनेक्टर्स को यूज़ करके आज मैंने एक ऐसे लिखा जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। The statement for the writing task 2 is, air pollution is one of the largest problems facing the world today. What are its causes and suggest some possible solutions for it. एयर पॉल्यूशन क्या है, एक लार्जेस्ट प्रॉब्लम है जो वर्ल्ड फेस कर रहा है। What are its causes, क्या इसके कारण है, क्या सोल्यूशन है। मीन्स कि बहुत सारी लार्जेस्ट प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है एयर पॉल्यूशन, जिसको पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है। इसके क्या कारण है और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट करने हैं। रिफ्रेश करेंगे गिवन स्ट्रक्चर को, इट इज़ नोटिस दैट एयर पॉल्यूशन हैज़ बिकम अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द वर्ल्ड टुडे, कि ऐसा नोटिस किया गया है कि जो एयर पॉल्यूशन है वो एक सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न बन गया है। किसके लिए बन गया है, वर्ल्ड के लिए, टुडे। तो ये क्या है, बेसिकली मेरा रीफ्रेजिंग सेंटेंस है। रीफ्रेजिंग कैसा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ माय बेसलाइन। बेसलाइन को अपने वर्ड्स में रीराइट करने को क्या कहते हैं, रीफ्रेजिंग कहते हैं। जनरल लाइन ऑप्शनल था तो मैंने भी स्किप कर दिया है। देन व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड सजेस्ट सम पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर इट, दिस इज़ माय डिमांड लाइन। डिमांड लाइन को देख के मैंने थीसिस, यही थीसिस मैंने एज सच इधर लिखा है जो मैंने आपके साथ स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था, क्योंकि कई बार बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम जो स्ट्रक्चर डिस्कस किए जाते हैं वो यूज़ नहीं होते हैं। तो ये एग्जैक्ट वही स्ट्रक्चर मैंने यूज़ किया जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। I will explain the reasons of this problem in the below paragraphs along with the steps through which it can be dealt. तो आप देख सकते हैं कि similar structure ही मैंने use किया है इस essay में। Again in the body paragraph 1, I have started my body paragraph 1. कैसे मैंने start किया है body paragraph 1 को, मैंने start किया है the main cause ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि मैंने डिस्कस भी यही चीज़ किया था बॉडी पैराग्राफ 1 में कॉज स्टार्ट करने के लिए, द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, क्या कारण है, इज एक्सेस यूज़ ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। ये क्या है, व्हाट है। जब भी हमने आइडिया एक्सप्लेन करना है, आइडिया एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव 2 मैथड्स, आइडिया एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल, और वी कैन एक्सप्लेन इट इन अनदर वे लाइक व्हाट, व्हाई, हाउ। तो idea elaboration I have already discussed in a video. I will share the link of that video in the description box, so you can check it from there. The main cause of air pollution is excess users of private vehicles. People prefer to, prefer के साथ हमेशा to आता है. Commute क्या होता है? Travel करना. Communicate क्या होता है? Interact करना. People prefer to commute from one place to another place by their own vehicles instead of traveling by public transport, because they opine that their own vehicles make their journey comfortable. जो लोग हैं वो prefer करते हैं commute करना एक place से दूसरी place पे अपने vehicle से बजाय कि public transport से, क्योंकि उनका मानना है, opine means believe, think, उनका मानना है कि जो उनके खुद के व्हीकल हैं उनकी जर्नी को क्या बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं. नेक्स्ट इज रिजल्टेंटली, ये भी एक कनेक्टर है. तो ये क्या है? हाउ. व्हाट के बाद हाउ, व्हाट के बाद वाई डिस्कस करके फिर हम क्या करेंगे? हाउ. कि इसका इम्पैक्ट क्या निकला कि काउंट ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स जो है ऑन रोड इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो यहाँ पे मैंने व्हीकल्स के लिए इज़ नहीं लगाया है. ये जो इज़ लगा है ये बेसिकली किसके लिए लगा है? काउंट के लिए लगा है. जो काउंट है व्हीकल का वो इंक्रीज़ हो रहा है रोड के ऊपर डे बाय डे, जो एमिट कर रही हैं, एमिट मतलब रिलीज़ कर रही हैं हार्मफुल गैसेस को और कंटामिनेट करती हैं एयर को. कंटामिनेट द एयर मीन्स टू पॉल्यूट द एयर. उसके बाद सेकेंड रीज़न लिखने के लिए मैंने कौन सा कनेक्टर यूज़ किया था? अनदर रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ दैट. यू कैन सी यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी मैंने सेम ही सेंटेंस यूज़ किया, सेम लिंकर को यूज़ किया. अनदर रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ दैट, कि अनदर रूट क्या है इस प्रॉब्लम की? Is that factories emit harmful gases while producing the consumer's good as the demand of consumer good is escalating. What do you mean by escalating? Means increase. Escalating day by day because people have adopted the concept of use and throw instead of recycling the used products. लोगों ने क्या कर लिया है? कंसेप्ट अडॉप्ट कर लिया है यूज़ एंड थ्रो अवे का. तो वो क्या करते हैं? वंस दे यूज़ द प्रोडक्ट एंड दे लाइक टू डिस्कार्ड इट रादर देन recycling it. Therefore the production activities are increasing in the factories day by day. So यहाँ पे हम कह सकते हैं for producing new goods manufacturing plants use fossil fuels which pollute the air. इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे दैट आर सॉल्यूशंस. ठीक है, तो सॉल्यूशंस के लिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था टू डील विद दिस प्रॉब्लम. तो यहाँ पे भी मैंने सेम स्ट्रक्चर यूज़ किया है टू डील विद दिस प्रॉब्लम. गवर्नमेंट शुड, जब भी आपको सॉल्यूशन आ रहे हैं लिखना है आप क्या यूज़ करेंगे? शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे. इंस्टेड ऑफ शुड आप क्या यूज़ कर सकते हैं? फॉर गिविंग एडवाइस ऑट टू, OUGHT TO. अगर ought to करेंगे तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. अगर आप ought to be करेंगे तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. गवर्नमेंट शुड एनकरेज द पीपल, गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए पीपल को यूज़ करने के लिए पब्लिक व्हीकल्स को, और टू अडॉप्ट द कंसेप्ट ऑफ कारपूलिंग. कारपूलिंग होता है वन मैनी पर्सन हैव टू विजिट द सेम डेस्टिनेशन दैन दे वुड लाइक टू यूज़ वन व्हीकल फॉर गोइंग टू दैट प्लेस इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर ओन व्हीकल्स. तो यहाँ पे क्या होता है कि इससे क्या होगा कि कारपूलिंग से क्या होगा कि जो काउंट ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स ऑन रोड कैन बी कंट्रोल्ड, कैन बी रिड्यूस्ड बाय देम टू सम एक्सटेंट विच विल फर्दर हेल्प इन कंट्रोलिंग द एयर पोल्यूशन. तो पब्लिक व्हीकल यूज़ करने से या कारपूलिंग के कंसेप्ट को अडॉप्ट करने से जो काउंट है इंडिविजुअल व्हीकल का वो रिड्यूस हो जाएगा, जो फर्दर किसको कंट्रोल करेगा? एयर पोल्यूशन को. अनदर सोल्यूशन इज़ दैट. तो यहाँ पे अनदर सोल्यूशन हमने लिखा है, तो यहाँ पे भी सेम मैंने आपको स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था. अनदर सोल्यूशन इज़ दैट अथॉरिटीज़ ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप हर बार ये नहीं लिख सकते गवर्नमेंट, लीगल बॉडीज, अथॉरिटीज़. ठीक है, जब आपको नॉलेज नहीं है इन दैट केस यू कैन यूज़, बट इफ़ यू हैव स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग द स्पेसिफिक बॉडी और अथॉरिटी. बॉडी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अगर आपको किसी के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज है तो आप उसी चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट करें. तो इससे क्या होगा कि जो आपका टास्क है वो काफ़ी इफेक्टिव और ग्रेसफुल लगेगा. अथॉरिटीज़ ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, जैसे कि मैंने प्रीवियस उसमें कॉज में क्या बोला है, इन द प्रीवियस बॉडी पैराग्राफ 1 कॉज 2 में मैंने वेस्ट के बारे में बोला है, रिसाइकलिंग के बारे में बोला है. सो मैंने इसके लिए जो बॉडी डील करती है उसका क्या नाम है? अथॉरिटीज़ ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड. ought to motivate, encourage को motivate भी बोल सकते हैं. यहाँ पे मैंने आपको ought to का भी यूज़ करके दिखाया है और यहाँ पे मैंने आपको should के साथ यूज़ करके दिखाया है. should और ought to क्या है? बेसिकली दीज आर मॉडल्स. ought to motivate the individuals to recycle the products so that for production activities less fossil fuels can be used. कि जो अथॉरिटीज़ हैं वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की, उनको मोटिवेट करना चाहिए इंडिविजुअल्स को कि वो रिसाइकिल करें प्रोडक्ट को, ठीक है, ताकि जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए कम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ किया जा सके। देन कॉन्सिक्वेंटली क्या है रिजल्टेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं इन बॉडी पैराग्राफ 1 आई हैव यूज द कनेक्टर रिजल्टेंटली इफेक्ट बताने के लिए, और यहाँ पे जो मैंने यूज़ की है कॉन्सिक्वेंटली, आप एज अ कॉन्सिक्वेंस या फिर इवेंचुअली, एज अ रिजल्ट, एज एन इफेक्ट, इस तरह के कनेक्टर्स और लिंकर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द एयर पॉल्यूशन। Come to the conclusion. To conclude, I conclude. Please avoid crammed words like to, recapitulate, to encapsulate. इस तरह के words आप avoid करें. Natural और simple लिखें. In conclusion, to conclude, I conclude. Excess uses of private vehicles and production of new goods in bulk are the reasons due to which air pollution takes place. But these reasons can be uprooted easily by implementing the above mentioned recommendations. एक्सेस यूजेस जो हो रही है प्राइवेट व्हीकल की और जो प्रोडक्शन हो रही है न्यू गुड्स की बल्क में, ये दो कारण हैं एयर पोल्यूशन के होने का। लेकिन इन कारण को अगर हम अपरूट कर दें, अपरूट मीन्स जड़ से उखाड़ दें, कैसे कर सकते हैं ये चीज़ हम? बाय इम्प्लीमेंटिंग द अबव मेंशन्ड रिकमेंडेशंस। तो आज जो मैंने स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस किया था, सिमिलर स्ट्रक्चर को मैंने यूज़ करके आपको कैसे लिख के दिखाया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू विल ट्राई टू राइट योर एसे इन सिंपल और नेचुरल वे। थैंक यू एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।